गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं मानव श्वसन तथा जंतुओं में श्वसन और पादपों में श्वसन। मानव में परिवहन किस प्रकार से होता है, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। जो आज का टॉपिक है वो है हृदय, हार्ट, यानी कि हृदय क्या है। हृदय एक ऐसी चीज है हमारे शरीर में जो निरंतर कार्य करती रहती है। इसका आकार मुट्ठी के समान या नाशपाती के समान होता है। यह डार्क लाल या कत्थई रंग का होता है। इसकी जो बनावट होती है वह मुट्ठी के समान या नाशपाती के आकार की होती है। जो आपने देखा है टीवी या उसमें किसी ने इस प्रकार से ये राउंड है और ये एक खोखला अंग है जिसमें रक्त प्रवेश करता है तथा ये सिकुड़ता और फैलता है। पुरुषों में इसका वजन अधिक तथा महिलाओं में इसका वजन कम होता है। यह एक मिनट में 72 बार धड़क जाता है और यह निरंतर कार्य करता रहता है। ये कभी भी बंद नहीं होता। जब व्यक्ति कार्य करता है फिर भी और जब व्यक्ति सोता है तब भी ये निरंतर धड़कता रहता है। अफवाह होती है कि कांच का दिल होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये मांसपेशियों का होता है। ये टूटता नहीं है ना कहीं जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये हेडिंग डाल लीजिए हर, ठीक है। हृदय लिखेंगे, यह यानी कि हृदय मानव शरीर की कहां पर स्थित होता है, वक्ष गुहा में, वक्ष यानी कि सीने में। सीने में कहां पर, बाईं ओर, बाईं ओर इस तरफ। ये बायां है, जैसे हम खड़े होंगे तो इस तरफ ये हमारा बायां होता है, तो इस तरफ ये। और एक ही होती है शरीर में संरचना हृदय की, वो भी बाएं ओर और शरीर के ये ढांचे के नीचे ढका हुआ होता है। इसके ऊपर फिर किसका आवरण होता है, हड्डियों का, ठीक है। तो लिखेंगे हृदय मानव शरीर की वक्ष गुहा के लगभग बीच में, लगभग बीच में स्थित होता है। यह एक पेशीय अंग है, यह एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। यह कत्थई रंग, यह कत्थई रंग का कत्थई रंग का होता है। मनुष्यों में इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, मनुष्यों में इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। जैसे कि देखिए हम आपको बता रहे हैं कि पुरुषों में इसका वजन अधिक होता है और महिलाओं में इसका वजन कम होता है। तभी आपने देखा होगा कि जैसे अचानक एक बार जैसे पुरुष होता नहीं डरता किसी चीज को देखकर, महिलाओं किसी चीज को देखकर डर जाती है और हृदय उनका कांपने लगता है, यही कारण होता है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसी से आपको अंतर प्रदर्शित करती हैं।
यदि हृदय है एक बार में कितनी बार धड़कता है 72 बार और ये निरंतर क्रिया करता रहता है। और लिखेंगे हृदय का, हृदय की संरचना व कार्यकी का अध्ययन, हृदय की संरचना व कार्यकी का अध्ययन हृदय विज्ञान, हृदय की संरचना व कार्यकी का अध्ययन हृदय विज्ञान यानी कि कार्डियोलॉजी, ब्रैकेट में लिखेंगे कार्डियोलॉजी, CARDIOLOGY कार्डियोलॉजी में करते हैं, कार्डियोलॉजी में करते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे यह एक पेशीय अंग है, अगली लाइन से लिखिए यह एक पेशीय अंग है क्योंकि यह रुधिर को ऑक्सीजन व CO2 दोनों का वहन करता है, वह CO2 दोनों का वहन करता है। O2 प्रचुर रुधिर को, यानी कि जब हमारे शरीर में हम लोग O2 लेते हैं तो ये किसमें मिल जाती है, रुधिर में सीधे हमारे हृदय में नहीं पहुंच रही है, कहाँ पहुंच रही, फेफड़ों से होते हुए हमारे रक्त में मिल गई और पूरे शरीर में घूमी और पूरे शरीर में होती हुई कहाँ पहुंची, फिर हृदय में, हृदय ने उसे फिर साफ किया, फिर वो क्या बन गई, CO2। अब उसे क्या करना है, निष्कासित करना है, दूसरी O2 जा रही है और उधर से बन के क्या आ रही है, CO2 वो निष्कासित हो रही है। तो आपने क्या लिखा, ऑक्सीजन O2 प्रचुर रुधिर को CO2 युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है, अब वहां से CO2 आ रही और यहां से क्या जा रही, O2। अब अगर कोष्ठों में न बटा होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हम एक ही सड़क बनाए हैं और यहां से हम जा रहे हैं, यहां से तुम आ रही तो हम तुम्हें बार बार मिलेंगे, लेकिन यहां पे क्या कर दिया गया, कई सड़कों को बांट दिया गया और हम यहां से जा रहे हैं और आप यहां से आ रहे हैं, तो मिल पाएंगे नहीं। इसी प्रकार से O2 यहां से आ रही है और CO2 यहां से जा रही है, तो जो O2 जो आप लोग शरीर में ग्रहण करते तो उसमें CO2 जो अंदर जाती है बट नहीं टकराती है, ठीक है। हाँ, क्या लिखा आपने, मिलने से रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है, CO2 प्रचुर रुधिर को CO2 छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, एक हमारे शरीर में फुफ्फुस धमनी होती है वहां पर ये जाती है, फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस में वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। हेडिंग डालेंगे हृदय की दो संरचनाएं होती हैं।
होती हैं। हाँ तो हमने आपको लिखाया कि इसके दो संरचनाएं होती हैं। पहली हेडिंग डालेंगे हृदय की बाह्य संरचना, हेडिंग डालेंगे हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाह्य संरचना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की बाह्य संरचना यानी कि हृदय बाहरी कैसा दिखाई देता है और अंदर से कैसा दिखाई देता है। तो हम आपको दो पार्ट में डिवाइड करके बता रहे हैं, हृदय की बाह्य संरचना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लिखेंगे, देखिए आपको तो सबसे पहले हृदय में हृदय का डायग्राम बना लेना है, ठीक है। हृदय में हृदय का डायग्राम बना लेना, फिर हृदय की बाह्य संरचना जो बता रहा है उसका डायग्राम अलग है, नहीं बनाना है ना अंदर बनाना है, बस खाली हम दो संरचनाएं लिखा देना, खाली आपको हृदय का एक डायग्राम बनाना है, ठीक। तो हृदय की बाह्य संरचना में लिखेंगे, मानव में हृदय एक स्पंदनशील, मानव में हृदय एक स्पंदनशील पेशीय स्पंदनशील पेशीय त्रिकोणीय यानी कि तीन कोणों जैसा दिखाई देता है, कैसा, ऐसे इस तरीके का बना होता है, तीन कोने लिखेंगे बट तीन कोने जैसा ही लगता है वो, त्रिकोणीय संरचना है, त्रिकोणीय संरचना है जिसमें चार कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें चार कक्ष पाए जाते हैं, दो अलिंद और दो निलय, दो अलिंद और दो निलय, दो अलिंद और दो निलय। यह हृदय के ऊपरी चौड़े भाग को, यह हृदय के ऊपरी चौड़े भाग को पिछले भाग से अलग करती है, चौड़े भाग को पिछले भाग से अलग करती है। ऊपरी चौड़ा भाग लंबाई में छोटा, ऊपरी चौड़ा भाग लंबाई में छोटा होता है, ऊपरी चौड़ा भाग लंबाई में छोटा होता है, इसे अलिंद भाग कहते हैं, इसे अलिंद भाग, इसे अलिंद भाग कहते हैं। निचला भाग लंबा तथा माशल होता है, निचला भाग लंबा तथा माशल होता है, इसे निलय कहते हैं, इसे निलय कहते हैं। फिर लिखेंगे, शरीर में रुधिर भेजने का कार्य, शरीर में रुधिर भेजने का कार्य अलिंद ही करता है, शरीर में रुधिर भेजने का कार्य अलिंद ही करता है। आपने देखा होगा हृदय की संरचना ऐसे हृदय बना होता है, बना होता है, एक यहाँ से इस तरीके से कैसी हुई होती है, एक यहाँ से ऐसे होती है, होती है, तो इस तरीके से एक अलिंद एक निलय, तो यहाँ से जैसे ये रक्त आया यहाँ से गया और यहाँ से इस तरीके की ये संरचनाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ से जाके अलिंद क्या कर रहा है, शरीर में, यहाँ से किससे जुड़ी हुई है, शरीर में, तो शरीर में भेजने का कार्य कौन करता है, ये सिकुड़ता है, जैसे ये भरा हुआ है अब इसमें भर गया और फिर सिकुड़ने के बाद ये क्या करता है, संकुचन करता है। वापस एक फोटो हम आपको दिखाएंगे,
खा भी चुके होंगे, उसमें हृदय धड़कता है, बड़ा होता है छोटा होता है, देखा है, दिखा चुके हैं है? किसके फोन में? हाँ तो क्या लिखा आपने? यह शरीर में रुधिर भेजने का कार्य बायां अलिंद ही करता है, जो रुधिर से भरने पर अलिंदों से बाहर दिखाई देने लगता है, दूसरी निकालेंगे हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना में लिखेंगे, हृदय एक खोखला अंग है, इसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कहेंगे, ठीक है, इसे कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो इसमें लिखेंगे यह एक खोखला अंग है जिसकी दीवार पेशियों द्वारा बनी होती है, इसकी सहायता से रुधिर संपूर्ण शरीर में प्रवाहित किया जाता है, फिर लिखेंगे हृदय की पेशियां रेखित कौमा शाखित वह अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक का मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार चले, वह अनैच्छिक होती हैं। आपकी इच्छा के अनुसार धड़कता है दिल? नहीं धड़कता ना, क्यों, कैसी हैं? अरेखित पेशियाँ हैं ना, अनैच्छिक हैं, जो अनैच्छिक होती हैं। इन पेशियों अनैच्छिक होती हैं, ये बिना रुके जीवन भर क्रियाशील रहती हैं, हृदय का आंतरिक स्तर हद स्तर कहलाता है, तो आपने देखा यहाँ पर, समझा कि हृदय क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी हमारे शरीर में क्या जरूरत है ना। इसके आगे आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि ये है, हम आपको बुक के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, जो सभी बच्चों को अपनी बुक से इसी में बना लेना है। ये देखेंगे ये बना हुआ है हार्ट, सबसे पहले ऊपर का आप बीच के भाग में देख रहे हैं जिसमें है महाधमनी, है, फिर यहाँ पर सिरा लगा हुआ है, शरीर के ऊपरी भाग से महासिरा अलिंद की ओर जा रहा है, फुफ्फुस धमनियाँ हैं, बाहसिराएँ हैं, बाया अलिंद है, शरीर के निचले भाग से महासिरा, दाया अलिंद, विभाजिका, बाया निलय। तो आपने ये देखा कि मानव हृदय का काट दृश्य, और ये आप साइड में देख रहे हैं, इसका नाम है ऑक्सीजन तथा CO2 के परिवहन का विनिमय का व्यवस्थापक निरूपण। तो फुफ्फुस के लिए फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस से फुफ्फुसीय सिरा, शरीर से महासिरा, शरीर को महाधमनी। तो आप ये देख रहे हैं, आपको सिर्फ हृदय का ही डायग्राम बनाना है, किसी भी बुक में कोई भी हृदय का जो आपका फिगर हो आप उसे बना लें, ठीक।